हाय एवरीवन, पीयूष गुप्ता दिस साइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ लास्ट फ्यू मंथ से एक सिस्टम चल रहा है हमारे इंडिया में कि जो भी गवर्नमेंट है ठीक है उनकी अगेंस्ट में बात करना कि फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी है तो मोदी जी जॉब दो रोजगार दो, इस तरीके का कैंपेन चल रहा है। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वहां कांग्रेस है चाहे बीजेपी है या कोई थर्ड पार्टी है तो वहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हम सब जो है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में लगे होते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते हैं, हम ये नहीं समझ सकते हैं, हम इसकी को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। इनफैक्ट हम बस उस कमी को ना जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बस किसी के ऊपर एक थोप देके, मैं वर्ड ऐसा यूज कर रहा हूँ, किसी के ऊपर थोप देना चाहते हैं और उसके बाद बस खुश होते हैं कि ठीक है इसमें हमारी गलती नहीं है और अपने मन को शांत कर देते हैं। क्या आपके किसी भी गवर्नमेंट चाहे बीजेपी है कांग्रेस है चाहे कोई भी है उनको ब्लेम करने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही रहे, नुकसान हो रहा है सिर्फ आपको हो रहा है, उनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। जॉब जब आएंगी आएंगी, नहीं आनी है नहीं आनी है, आप कितने ही ऑनलाइन कैंपेन चला लीजिए, कितने ही आप जो भी आपको करना है मतलब धरना करना है जो करना है कुछ भी कर लीजिए, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर आप रियलिटी में कुछ नया चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं, तो आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेगी और उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ ब्लेम करने से सिर्फ किसी को कहने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। देखो गवर्नमेंट के साथ दोनों चीजें होती हैं, कहीं सिचुएशन ऐसी कोविड के कारण गवर्नमेंट भी हर तरह से प्रेशराइज्ड है, फाइनेंशियली उनके साथ प्रॉब्लम है, उनकी खुद जो गवर्नमेंट यूनिट्स है वहां पे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, तो वो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट कहां से दे। और सेकंड मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की चलिए ठीक है अपॉर्चुनिटीज होती भी है, गवर्नमेंट की भी कमियां होती है, बट ठीक है जो भी है हमें तो आपको और मुझे हमें अपने बारे में सोचना है ठीक है, हमें ये देखना है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अर्निंग में आ सकते हैं, कैसे हम सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। अगर हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और अगर हम सॉल्व कर देंगे तो फिर किसी को ब्लेम करने का कोई पार्ट बचता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मतलब जो अभी मैं बात करने वाला हूँ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसके बारे में सोच के शायद आप जो ये प्रॉब्लम अगर अनएम्प्लॉयमेंट की अभी फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व हो जाए। पहली बात, अगर अनएम्प्लॉयड हैं या आप एक प्रॉपर अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि क्यों नहीं कर पा रहे। क्या मार्केट में जो चीज चाहिए, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जिस नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास है? मेरे मुझे लगता है मैक्सिमम का आंसर रियलिटी में अगर सोचेंगे तो आंसर नो होगा। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, बट क्या आपको प्रैक्टिकली कुछ आता है? चांसेस रेयर है, चाहे आप कॉमर्स हैं साइंस स्ट्रीम के या किसी और स्ट्रीम के, डजंट मैटर, प्रॉब्लम सेम है। तो कंपनी आपको जॉब क्यों दे? सेकंड, जॉब के पीछे आप क्यों भाग रहे हैं? अगर इंडिया की 80% पॉपुलेशन जॉब ढूंढने जाएगी तो 20% जॉब 80% को कैसे दे पाएगी? बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, देने वाले कम लेने वाले ज्यादा, तो भाई जॉब आएंगी कहां से? क्यों नहीं आप अपने आप को जॉब देने वाला बनाने के बारे में सोचते हैं? आप क्यों नहीं एम्प्लॉयर की नजर से सोचते हैं अपने आप को? क्यों सिर्फ एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं? जॉब मार्केट में है, आपको अपने पसंद की मिल जाती है, वेल गुड, नहीं मिल पा रही है तो कुछ अल्टरनेट तो आप सोच सकते हैं ना। क्यों उस एक जो चला आ रहा है ना बॉक्स, एक डब्बे में आउट ऑफ द बॉक्स होता है ना, जो वो बॉक्स में आप बंद है, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोच के देखिए, कोई फ्री है ना, मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो मतलब अभी आपको किसी चीज की वो नहीं है, टाइम ही टाइम है आपके पास, तो जो आपके अंदर स्किल्स हैं उसको डेवलप करें। आपको यूट्यूब पे सीखना है, जहाँ पे सीखना है, मतलब इन द सेंस कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, जैसे कि टैक्स वगैरह की बातें हो जाती हैं, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह, ये यूट्यूब से नहीं सीखा पाते हैं, तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करिए, उसके बाद अपने आप उसमें चेंज देखिए। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आपको इस बारे में कह पा रहा हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जीएसटी इनकम टैक्स के, आप मतलब यूट्यूब चैनल देख लीजिए,
हमारा एप्लीकेशन के रिव्यूज देख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में पुरानी आज से 2 महीने पहले की वहां की चैट डिस्कस देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए, आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनकी लाइफ चेंज हुई है उन टैक्सेशन कोर्सेज के कारण। तो क्यों नहीं आप इस तरीके का सोच रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टैक्स कोर्स ही करो, कुछ और भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं सोच रहे हो? जैसे अकाउंटिंग फील्ड है, टैक्सेशन फील्ड है, उसमें नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एंटर कर सकते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ तो जीरो लेवल से उसमें स्टडी कराता हूँ आपको, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, सब कुछ जीरो लेवल से। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मेरा बेस है या नहीं है, आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखिए, मतलब जिनको जीरो नॉलेज ही ना, बैकग्राउंड बिल्कुल वीक, एजुकेशन भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से, और वो आज लैक्स ऑफ अमाउंट पर मंथ अर्न कर रहे हैं, मतलब 1-2 लाख रुपए अर्न करने वाले, मंथली अर्न करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो कि पहले जॉब के लिए ढूंढ रहे थे कि 5,000-6,000 रुपए महीना की जॉब मिल जाए, वो आज 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सो धोखे में मत आइए कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि अर्न करने के लिए। मैंने आजकल वो देखा यूट्यूब पे और उस पर फेसबुक वगैरह पे आता है या व्हाट्सएप पे, यहाँ क्लिक करिए और आप अभी जीत जाएंगे लाखों रुपए। अरे ऐसे स्कैम्स में मत फंसिए, थोड़े समझदार बनिए, तो मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए इंटरनेट से कि आपके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़िए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। कुछ टाइम के अंदर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और बहुत अच्छा फील होता है जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, उनको उनसे मतलब उनके आईज में वो प्राइड होता है कि सर कहाँ तो हम जॉब ढूंढ रहे थे, आज कहाँ हमारे कारण 15-20 लोगों को जॉब मिल रही है। तो मैं इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा हूँ, अपने आप को अर्न कर ही रहा हूँ, इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहा हूँ। जब स्टूडेंट ऐसा कहते हैं ना, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सिर्फ एक तरफ भागिए मत जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो कुछ अल्टरनेट होना शुरू करिए। बाकी कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक मिल जाएगा आपको, या सीए पीयूष गुप्ता करके आप प्ले स्टोर पे सर्च करना, वहाँ पे मार्शियस कॉमर्स अकेडमी बाय सीए पीयूष गुप्ता ऐप मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करिए, उस पर देखिए, एक बार रिसर्च करिए। 60 रुपीज से कोर्स स्टार्ट है, ठीक है, 60 रुपीज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना,